दोस्तों एग्जाम अलर्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है केंद्रीय विद्यालय में। और अगर आप ग्रेजुएट हैं साथ में बीएड हैं तो आप इसको भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीटेट किए हो, क्योंकि आपको पता होगा जनरली केंद्रीय विद्यालय में सीटेट भी अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप सीटेट किए हैं तो आपके लिए प्रिफरेबल रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन भी हो सकता है, इंटरव्यू बस होगा, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप पूरे तरीके से देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस टीईटी एग्जाम अलर्ट फेसबुक पेज से वाकिफ हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप अभी तक इस पेज से वाकिफ नहीं हैं तो टीईटी एग्जाम अलर्ट आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चले जाइए जहां पे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फेसबुक पेज में बेनिफिट यही है कि हम जब भी नोटिस आता है हम तुरंत उस पे डाल देते हैं। तो यहां पे आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टीटी एग्जाम अलर्ट के वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो यहां पे आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, टीजीटी साइंस के लिए वैकेंसी है और क्या क्या कैसे अप्लाई करना है, यहां पे आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं आपको यहां पे नीचे हमने दो लिंक दे दिया है कि जॉब डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जब दो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी, जहां से कि आप ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको डाल के सारा इन्फॉर्मेशन लिख के भेजना है और उनका क्या नोटिफिकेशन है, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे इस दो लिंक से मिल जाएगी। उसके बाद आप उसे यहाँ से देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल, तो यहाँ से आप पूरी एप्लीकेशन डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस वाले लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको भेजना है। तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस लिखा हुआ है वही पढ़ के आपको दिखाते हैं। तो वो डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन डिटेल्स इस तरीके से दिखेगा कि 27 अगस्त 2017 तक आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन, मतलब 27 अगस्त 2017 तक जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है, मतलब वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो जितना जल्द से जल्द हो सके, समय अब कम है, तो आप भेज दीजिए। और इंटरव्यू होगा 28 अगस्त को, तो बहुत कम समय है दोस्तों। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएसएफ कैंपस अमरकोट के तरफ से ये, केंद्रीय विद्यालय के तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो केवी अमरकोट बीएसएफ कैंपस की ही वैकेंसी है और 28 अगस्त को इसका इंटरव्यू है, 27 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, एग्रीमेंट बेसिस पे, और बाद में अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा रहा और वैकेंसी रही तो उसे उस तरीके से आगे फिर डील किया जाएगा। और किसके लिए है वैकेंसी, तो देख लीजिए यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी साइंस। तो उसके लिए अनिवार्य क्या है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था शुरू में ही कि साइंस एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीएससी एंड एग्रीगेट विद बीएड डिग्री, मतलब बीएड डिग्री आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स आपको बीएससी साइंस में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सीटीईटी पास कैंडिडेट विल बी प्रीफर्ड। तो अगर आप सीटीईटी पास हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन विदाउट सीटीईटी कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन अगर आपने सीटीईटी नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा मौका है अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं। हाँ, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है अभी, तो वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दीजिए और देखिए कि क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जॉब है तो आगे उसका और क्या डील होगा वो तो अभी नहीं बता सकते हैं कि आगे वो परमानेंट होगा या क्या होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कह रहा है कि ईमेल एक्सेप्टेड नहीं होगा तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही डाल के भेजना पड़ेगा। और ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ अमरकोट पंजाब। हालांकि ये एड्रेस हमारे आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे जो टीटी एग्जाम अलर्ट का वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको ये एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी हम आपको अब दिखाते हैं जो फॉर्म आपको भेजना है वो भी आप बिल्कुल यहाँ से क्लिक हियर टू फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप वो फॉर्म निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फॉर्म कुछ इस तरीके का है, इस फॉर्म में आपको यहाँ पे A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लेना है, यहाँ फोटो लगाना है, सारा डिटेल्स किस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एक ही पोस्ट है टीजीटी साइंस का, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। और नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लिख दीजिए। और एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है तो वहाँ पे लिख दीजिए, अदर क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और पोस्टल एड्रेस, ये सारा कुछ भरने के बाद
आप उसे क्लीन वेलअप में डालिए और उसे भेज दीजिए इस एड्रेस पे, तो ताकि वो 27 अगस्त से पहले पहुंच जाए और 28 अगस्त को आप इंटरव्यू में शामिल हो सके। तो दोस्तों यही एक बड़ा अपडेट है आज का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप एलिजिबल हैं या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे आगे भी हम हर दिन कुछ ना कुछ वैकेंसी लाते हैं और मेरी कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं, करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन उन तक इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण नहीं मिल पाती है। तो मेरा प्रयास यही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अभी भी नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन, घंटे का आइकन आएगा, वहाँ पे दबा देने से जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आगे का वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगा और आप कोई भी अपडेट से चूकेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।